रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सांची विधानसभा क्षेत्र के बगीचा धाम हनुमान मंदिर परिसर पहुंचे। यहां सीएम योगी ने कस्बा देवनगर से मध्य प्रदेश में सन 2023 के प्रचार अभियान की शुरुआत करते हुए मंच पर हुंकार भरी। मुख्यमंत्री चौहान ने यहां सांची अजा सीट के भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के पक्ष में चुनावी आम सभा आयोजित की। मंच से मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सरकार नहीं बल्कि गरीबों का परिवार चलाने का कार्य करता हूं। डबल इंजन की सरकार ने देश की नहीं बल्कि मध्य प्रदेश को एक बीमारू राज्य से उभार कर स्वर्णिम विकसित राज्य बनाने का काम किया। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधा, वहीं उन्होंने कमल के निशान का बटन दबाने के साथ सांची के भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की। सारे दारू के हाथे बंद किए हैं और ये भी मेरा संकल्प है कि अगले साल आधी 50% मैंने लिख के देखेंगे दारू की दुकान बंद और दारू की दुकान खुलने नहीं दूंगा। हमारा सम्मान सर्वोदय और इसलिए अपनी सरकार परिवार की सरकार सड़क हो बिजली हो पानी हो काम गिराम विकास के तो बहुत देर लग जाएगी, लेकिन आप ही बताओ इतने विकास के कब तक चलेगा। त्रिभुराम जी आप ही बताओ कांग्रेस मतलब हुए थे क्या। देवनगर से चुनाव अभियान की यहाँ के इस जिले में राय से प्रारंभ किया है। मुझे जनता का आशीर्वाद, आप देख रहे हैं जनता का आशीर्वाद, अष्टमी के दिन भी लोकसभा में आ जाए इतनी बड़ी संख्या में, आप ये जनता के आशीर्वाद का ही भारत शानदार बहुमत मिलेगा, अब तक का सबसे बड़ा बहुमत।